सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा D2M के बारे में, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल के बारे में। जिस तरीके से आप अभी के टाइम पे केबल टीवी के माध्यम से आप बिना इंटरनेट के अपने घर में लाइव चैनल देख पाते हैं, लीनियर कंटेंट देख पाते हैं, उसी तरीके से आने वाले दिनों में D2M के माध्यम से आप मोबाइल पर ही लाइव कंटेंट देख पाएंगे, वो भी बिना इंटरनेट के। उसी से रिलेटेड आज का अपडेट रहने वाला है। सो बने रहे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, फ़ोन में D2H मोबाइल पर बिना नेट पहुँचे लाइव टीवी आपको देखने को आने वाले दिनों में मौका मिलने वाला है। देश में 80 करोड़ से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं लोग, और उस पर अब निगाहें हैं कि D2H के माध्यम से अब मोबाइल पे ही आपको विदाउट इंटरनेट लीनियर कंटेंट आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से आप इंटरनेट के बिना घर पे टीवी चैनलों का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से मोबाइल पर ले सकेंगे, बहुत ही कम दाम पर OTT कंटेंट देख सकेंगे, वो भी बिना किसी डेटा खर्च किए हुए। ये संभव होगा डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M तकनीक से। ये तकनीक D2H की तरह है, DTH जो होता है उसके तरह है, और इसके लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय और IIT कानपुर ने काम शुरू कर दिया है। ये टीम अगले हफ्ते में इस तकनीक की व्यवहारिक दूरसंचार ऑपरेटर से बातचीत करेगी, और जून में IIT कानपुर ने देश में D2M प्रसारण और 5G कन्वर्जेंस रोड मैप पर अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, D2M कैसे काम करेगी। बेसिकली यह एक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का मिश्रण रहने वाला है। इसमें मोबाइल जिस तकनीक से FM रेडियो प्रसारित होता था, FM रेडियो जैसे आप सुनते थे ईयरफोन लगा के, अब एज ए उसमें 98.5, तो एक जितने भी कुछ फ्रिक्वेंसी होते थे उस फ्रिक्वेंसी पे आपको रेडियो FM देखने को मिलते था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको लीनियर कंटेंट देखने को मिलने वाला है। DTM वैसे ही बिल्कुल FM की तरह ही वर्क करेगा। फ़ोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा, जिसके लिए 526 से 582 MHz बैंड का यूज होने वाला है। फिलहाल इस बैंड का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन में होता है, लेकिन आने वाले दिनों में 526 से लेकर 582 MHz जो है वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी और सिर्फ DTM के लिए रिजर्व हो जाएगा। देश में 21 से 22 करोड़ परिवारों में TV और स्मार्टफोन से करीब 80 करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं, जो 2026 तक 100 करोड़ होने का गुंजाइश है। इसलिए सरकार TV कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक भेजने के लिए फ़ोन को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मान रही है। सरकार इसमें शिक्षा और इमरजेंसी सेवाओं का भी प्रसारण करना चाहती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह अपडेट है कि D2M के मदद से फ्रिक्वेंसी और ब्रॉडकास्टिंग के मिश्रण के थ्रू आपके मोबाइल पे ही आने वाले दिनों में एक रिसीवर लगेगा, जिसके थ्रू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैच कराया जाएगा, और उसके साथ ही आपके फ़ोन पे लाइव चैनल देखने को मिलेगा, वो भी बिना इंटरनेट का। एक टेक्नोलॉजी है, इस पे IIT कानपुर वर्क करना स्टार्ट कर दी है। हालांकि इसको लागू होने में काफ़ी वक्त लगेगा, बट नए टेक्नोलॉजीज में आपके साथ शेयर करने में मेरी हमेशा इच्छा होती है। जैसे कुछ नया इंडस्ट्री में आता है तो मैं पहले से ही शेयर करते रहता हूँ। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।